एग्जाम सेंटर आपको पता चल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी का पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी की सारी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे ये केवल एक कैंडिडेट वाले में नहीं, और आज शाम को मैंने CSP पे कॉल भी किया, मैं सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, उन्होंने क्या क्या बताया वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। केवल ये नहीं आ रहा, और ये वाला फेस देखने के लिए यहाँ पे हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये वाला इशू आ रहा है, मतलब कि जब हम मेल डालते हैं, मेरे मतलब खुद के भाई वाले में ये हो रहा है। तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला, मैंने कहा भाई कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, इसका सॉल्यूशन आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, अगर आपका आपको एग्जाम सिटी और आपको अपना सेंटर पता चल चुका है डेफिनेटली। और वैसा कुछ यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, बट मैं बता देता हूँ लॉग इन फेल्ड लिख के आ रहा है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जाके डाल, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जिन कैंडिडेट का पहला नंबर ये वाला आ रहा है, तो भाई आपको कोई दिक्कत का सीन नहीं है। आप क्रोम ब्राउज़र ना यूज़ करो, ना गूगल से यूज करो, आप ओपेरा मिनी करके एक ऐप आता है, ओपेरा मिनी वो उसे इंस्टॉल कर लो, उसमें जाके ब्राउज़र को ओपन करो, आपका मतलब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर किसी का भी नहीं हो रहा है, तो सबसे जो लास्ट में ऑप्शन बनता है बचता है वो ये ऑप्शन बचता है। इंडियन एयरफोर्स ने आपको मैसेज के थ्रू ये बता दिया है भाई साहब कि डियर कैंडिडेट, *01/2020 एग्जाम डेट एंड नेम ऑफ एग्जाम सिटीज, यहाँ पे स्टार की बात हो रही, इनटेक में मत जाना। हाँ कि भाई पुराना दिखा रहे हो, पुराना नहीं दिखा रहा हूँ, अभी लेटेस्ट का आया हुआ है, ठीक है। ये देखो 23 अक्टूबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम डेट एंड नेम ऑफ एग्जाम सिटीज अवेलेबल इन योर लॉग इन एंड वेब पोर्टल। यहाँ पे आपको लॉग इन एंड वेब पोर्टल पे सारा का सारा सब कुछ दे दिया गया है। बट भैया जी कहोगे कि ये दिक्कत आ रहा है, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैंने आज CSB पे कॉल किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कब किया था। सो देखो भाई, यहाँ पे CSB को पहले जब मैंने कॉल किया था, तो आपका ये नंबर था, ये वाला नंबर था उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये वाला नंबर था। फिर जब मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बोला ये वाला नंबर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे राइट था, ऊपर के दो नंबर दोनों के दोनों राइट थे। दो बार इसमें कॉल किया बट बात नहीं हुई। मैं CSB भाई मैंने बात भी किया, मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे ये देखो, 55 आउट गोइंग कॉल और 0 मिनट 55 सेकेंड हमने बात किया था, बट मैंने मुझे उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, मैं आपको नंबर दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे ऊपर चलते हैं और ये वाला नंबर दिया। आप सभी इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, जिस किसी को भी दिक्कत आ रहा है आप डेफिनेटली इसका नंबर पे कॉल करना और पूछना सर कि मेरे पे ये इशू आ रहा है, मेरा मतलब री एंटर ईमेल आईडी। बट भाई एक बात बता देता हूँ आपको, यार थोड़ा सा वेट कर लेना, मतलब वेट करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन पर ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जस्ट इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने एक अपने मतलब एक भाई है, ठीक है, मैं खुद मेरे पास खुद पे लैपटॉप तो है नहीं, तो मैंने एक दोस्त है उससे कॉल किया और उसको दिया एक मतलब कैंडिडेट का रोल नंबर, मतलब कि रोल नंबर लाइक ईमेल एंड पासवर्ड, और उससे कहा भाई अपने लैपटॉप पर देख के बता भाई हो जा रहा है कि नहीं। तो उसके लैपटॉप में ये वाला इशू यहाँ पर सॉल्व हो गया है। और अगर इस इशू की आगे बात कर लेते हैं, इसका ये वाला नहीं, ये तो एग्जाम सेंटर ही है, इस इशू की बात कर लेते हैं, तो इसे तो मैंने खुद सॉल्व किया। आप ओपेरा मिनी ब्राउजर यूज कीजिए और उसमें या भाई खत्म हो जाएगा। और जिसका जिसका देखो नहीं हो रहा है, उसके लिए एट लॉस्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। आपके ईमेल पे मैसेज, आपके मतलब टेक्स्ट में मैसेज इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप कर दिया है। अभी आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करोगे और होगा क्या, जैसे ही आपको इंडियन एयरफोर्स भेजेगा, मतलब कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे 2 से 3 दिन पहले, बट हाँ ये होगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका कब है, क्योंकि भाई किसी किसी को अपने मतलब ट्रेन वगैरह टिकट वगैरह बुक करना होगा डेफिनेटली। लाइक अगर बिहार से पटना भी जाना है, या आप मैं कहता हूँ कानपुर से अगर आपको डेली भी जाना है, तो बहुत लोग होंगे जो टिकट के थ्रू जाएंगे, तो उन्हें अगर टिकट करना है तो भाई पहले से पहले पता होना चाहिए ना। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, आप सभी कैफे में जरूर एक बार चेकआउट करा लेना। बाकी आप सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो, मैं बता रहा हूँ एग्जाम भाई क्लोज है, कुछ भी अपने को कुछ भी ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ एग्जाम सर पे है, और ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे ना करो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे आके आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप ऑनलाइन लगाना, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, पहले से आप जान पाओगे। जैसे कि आप लोग हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद लगभग इस वीडियो को लगभग 5,000 लोग देखोगे, 5,000 में लगभग कम से कम 1,000 से 2,000 लोग परीक्षा पे आपस में ही तुम लोग कम्पिटिट कर सकते हो भाई, आपस में ही जाके कम्पिटिट कर सकते हो। और यहाँ पे कितने 40 टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन, 40 टेस्ट कितने प्राइस पे अंशु भाई, 140 रुपये में, केवल 140 रुपये में, वो भी कूपन कोड अपना ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यही सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी आप 20 जो नए टेस्ट आए उन्हें भी लगा सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। बाकी और भी कोई जो दिक्कत है, तो डेफिनेटली कमेंट पे कमेंट करके बताना, मैं उस इश्यू को भी भाई सॉल्व कर दूंगा। बाकी टेक केयर, थैंक यू, एंड दिक्कत ना लो, जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक का तो ऑप्शन होता ही है। टेक केयर एवरीवन।